नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का। कैसे आप सभी लोग? तो इंडक्शन मोटर हमने पढ़ चला, अपना चैप्टर चल रहा था। तो आज हमने इंडक्शन मोटर के अंदर बात करेंगे कि इंडक्शन मोटर के अंदर ब्रेकिंग क्या होती है। तो आपने इससे पहले स्पीड कंट्रोल पढ़ लिया था, मोटर स्टार्ट कैसे होती है, मोटर के पार्ट क्या थे, मोटर के अंदर रोटर से संबंधित जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। आज हमने बात करेंगे इंडक्शन मोटर जो होगी उसका गति नियंत्रण के साथ साथ आप उसकी ब्रेकिंग करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो आज अपना जो पार्ट रहेगा वो रहेगा ब्रेकिंग। और वीडियो पर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। और कल आप तैयार है ना, कल आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊंगा। आईटीआई जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर होते हैं जिसको आप लोग शॉर्ट में जीए बोलते हो, 2012 के अंदर एक क्वेश्चन पेपर हुआ था। इसमें 6 से 7 ट्रेडों का जो क्वेश्चन पेपर जो होता है वो साथ आता है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का जो पार्ट होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट होगा वो अपने हल करेंगे। तो उसके अंदर टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो रहेगी वो लगभग 45-50 रहेगी। तो वो क्वेश्चन अपने करेंगे और मिलते हैं फिर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मेथड जो होगी वो जैसा है कि डीसी मोटर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी तरीके से यहां भी जो ब्रेकिंग मेथड होगी वो अपने 3 प्रकार के बढ़ेंगे। सॉरी, 2 प्रकार के बढ़ेंगे, फिर उसके आगे पार्ट भी बढ़ेंगे। तो यहां हमने बात करेंगे ब्रेकिंग मेथड। तो ब्रेकिंग का मतलब होता है अवरोधन या अवरोधन विधि, यानी कि मोटर चल रही है उसको रोकना है। तो रोकने के लिए क्या क्या चीज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो रोकने के लिए जो पहला जो मेथड रहेगा अपना वो रहेगा मैकेनिकल ब्रेकिंग। इसके अलावा यहां जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ध्यान रखना 3 प्रकार की होगी। एक अपने बात करेंगे प्लगिंग की, एक अपने बात करेंगे डायनामिक, और डायनामिक का दूसरा नाम रियोस्टेटिक भी है ध्यान रखना। और तीसरा जो अपने बात करेंगे यहां पे वो करेंगे अपने रीजनरेटिव। इस तरीके से यहां टोटल जो मेथड पढ़ रहे हो पढ़ोगे आप लोग पढ़ोगे 4। तो सबसे पहले हमने जो मैकेनिकल ब्रेकिंग है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने गाड़ियों में देखा होगा, गाड़ियों के अंदर क्या होता है कि जो पहिया जो होता है उसको रोकना है आप लोगों को, तो वहां काम क्या होता है, उस पहिये के चारों ब्रेक शू आके क्या करते थे, उस पर घर्षण होता करते हैं, और घर्षण क्या करता है, गति का विरोध करते हैं। तो इस विधि के अंदर काम क्या किया जाता है मैकेनिकल ब्रेकिंग के अंदर या यांत्रिक ब्रेकिंग के अंदर, कि जो पोल शू होते हैं वो किसी घूर्णनशील भाग जो होगा उस पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से हिट भी उत्पन्न होती है। इसलिए ध्यान रखना जो मशीनों के अंदर इस ब्रेकिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियां वगैरह जो होती है वहां इस ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की, जिसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के अंदर सबसे पहला जो भाग रहेगा वो रहेगा प्लगिंग। तो प्लगिंग का जो मीनिंग जो होता है वो ये होता है, जैसे 3 फेज की मोटर है, सॉरी 3 फेज है अपने पास, इन्हीं भी 2 फेजों को अगर आप लोग बदल देते हो तो वो प्लगिंग कहलाता है। तो प्लगिंग के अंदर होगा क्या कि 3 फेज की मोटर है, मान लेते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, अंदर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर आप किसी भी तरीके से अगर इन्हीं 2 फेजों को चेंज करते हो, वैसे यहां चेंज ओवर का यूज करेंगे हमने, किसी भी तरीके से इसकी अपने फेज क्रम को बदल देते हैं, तो ये एनएस की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे उल्टी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि मशीन उल्टी घूमने का, जैसे मान लेते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी, अभी क्या करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करेगी, लेकिन घूमेगी जब जब ये पहले रुकेगी। इसका मतलब फेज क्रम बदल दिए जाते हैं और फिर सप्लाई को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। सप्लाई पहले फेज क्रम को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आरएमएफ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा आपकी बार, अगर पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता। इसका मतलब ये होगा कि जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होगी वो अपनी दिशा को क्या करेगा, बदलेगा। इसका मतलब रोटर पर जो टॉर्क होगा वो पहले के विपरीत दिशा में काम करेगा और रोटर की गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पंखे को उल्टा घुमा के छोड़ देते हो, जब आप सप्लाई को ऑन करेंगे तो पंखा सीधे चलने का प्रयास करेगा। इसका मतलब रोटर की गति का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। तो ये सेम काम होगा। तो रीज प्लगिंग के अंदर ये काम किया जाता है कि 3 फेजों में से किन्हीं 2 फेजों को बदला जाता है, जिसके कारण रोटर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उल्टा घूमता है पहले की तुलना में, और रोटर पर एक ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करेगा जो मोटर को रोक देता है। और ये विधि जो होती है सबसे ज्यादा ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने का काम करती है। दूसरी विधि जो है वो डायनामिक है। डायनामिक के अंदर काम क्या करेंगे, देखो डायनामिक बोलो या रियोस्टेटिक बोलो, इसके अंदर काम क्या किया जाता है, जैसे 3 फेज की सप्लाई थी,
ठीक है, इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा बता देता हूँ कि अंदर चेंज ओवर अगर यूज करेंगे तो किस तरीके के करेंगे। तो अगला जो मेथड अपना है वो रियोस्टैटिक है या डायनामिक मेथड जो है। इस मेथड के अंदर देखो काम क्या किया जाता है, कि इसके अंदर इस तरीके से क्या होगा, यहां अपने पास ये मोटर है, चाहे स्टार में हो सकती है डेल्टा में। तो यहां मैंने जो आपको दिखाया स्टार में दिखाया, इसका ये टर्मिनल यहां जुड़ गया, इसको ये जोड़ दिया, इसको ऐसे तीन फेज दे दिया, और ये रेजिस्टेंस है इस तरीके से, और इनको मैं ए बी सी नाम दे देता हूं, यहां ए बी और सी। इसका मतलब ये यह यहां पे जुड़े हैं, बी यहां जुड़े और सी यहां जुड़े। शुरुआत में आपने क्या कर रखा है कि इसको जो चेंज ओवर जो है इसकी सहायता से आपने काम किया कर रखा है, इसके टर्मिनल को ऐसे कर रखा है, इसका मतलब अब मोटर को सप्लाई मिल रही है। अब इस ब्रेकिंग करने के लिए इसको तो क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, इसको नीचे हैंडल की ओर करेंगे। जब हैंडल को नीचे की ओर करोगे पत्तियां नीचे वाले टर्मिनल पर क्या होगी, टच होगी, और नीचे वाले क्या जुड़े रेजिस्टेंस के साथ में जुड़े। तो इस विधि के अंदर काम क्या करोगे कि जब सप्लाई को ऑफ करोगे ना, जब सप्लाई को ऑफ करोगे तो उस समय क्या होगा, ये रोटर काम क्या करेगा, घूमेगा और इसके फ्लक्स को क्या करेगा, काटने का काम करेगा। तो स्टेटर वाले जो भाग जो होगा, यानी कि ये वाले इस वाले भाग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र इन प्रतिरोधों द्वारा क्या किया जाता है, ड्रॉप कराया जाता है। इस समय मोटर काम क्या करती है, जनरेटर की तरह क्या करेगी, काम करेगी। क्योंकि आपको पता है इसके अंदर वोल्टेज बनेगी, ईएमएफ बनेगा, तो वो क्या करेगी, जनरेटर की तरह क्या करती है, काम करती है। तो इस विधि के अंदर काम करते हो कि मोटर को सप्लाई से अलग कर दिया जाता है और बाहरी प्रतिरोध द्वारा क्या किया जाता है, स्टेटर को क्या करेंगे, सप्लाई से जोड़ देंगे। और ये काम क्या करते हैं, इसके घूर्णन के कारण इसके अंदर जो ईएमएफ बढ़ रहा है उसको क्या करेंगे, खत्म करने का काम करते हैं। तो ये अपनी विधि थी, वो थी डायनामिक ब्रेकिंग, और इसको रियोस्टेट ब्रेकिंग भी आप लोग क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। अगली जो विधि अपनी रीजनरेटिव, देखो रीजनरेटिव विधि के अंदर अपने को काम क्या करना है, ये मैंने आपको बताया होगा, शरीफ का फॉर्मूला आपको पता है। रीजनरेटिव का मतलब क्या होगा, इसमें भी मोटर क्या करेगी, जनरेटर की तरह काम करती है, लेकिन जनरेटर की तरह अगर काम करना है उसको, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो साइटेशन जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए पहले की तुलना में। ताकि देखिए यहां पर देखो, ये मान लेते अपने पास क्या है, मोटर तीन फेज की, इसको तुम लोग क्या कर रहे हो, सप्लाई से जोड़ रहे हो, इनको क्या कर रहे हो, तुम लोग सप्लाई से जोड़ रहे हो, और ये वोल्टेज क्या भी है, बीच में क्या पड़े, रोटर पड़े। अब रोटर काम क्या करेगा, इस वाले भाग के अंदर जो ईएमएफ बन रहा है, बेक ईएमएफ वो ज्यादा होगा, क्योंकि जनरेटर के अंदर रोटर की जो गति होती है वो ज्यादा होगी, और इसकी गति क्या होगी, सिंक्रोनस गति कम होगी, तभी काम क्या करेगी, इसके कारण जो इसके अंदर जो बेक ईएमएफ बन रहा है उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। वरना क्या होगा कि मोटर मेन सप्लाई से करंट लेगी और ये मोटर की मोटरिंग जो मोड्स होता है उसमें काम करती है। इस समय ध्यान रखना कि इस समय जो ये रोटर वाला भाग होगा ये तेज गति पर चलेगा, इसका मतलब स्लिप जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव स्लिप के अंदर ये काम क्या करती है, जनरेटिंग मोड में क्या करती है, काम करती है। और ये अपने अगला जो पार्ट रहेगा वो अपना मोटरिंग मोड रहेगा, उसके मोटरिंग मोड या मोटरिंग मोड बनेगी। तो उसके अंदर ध्यान रखना की काम क्या करती है, जैसे ये मोटर है तो एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जनरेटिंग कंडीशन के अंदर ध्यान रखना कि जो बेक ईएमएफ होगा वो सप्लाई का क्या करता है, विरोध करता है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो एनएस जो बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है वो मेन सप्लाई के कारण बनेगा। जब इसके अंदर जो बेक ईएमएफ बन रहा है वो बी का मान अगर सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या करेगी, मोटर सप्लाई वोल्टेज का क्या करती है, विरोध करेगी। इसका मतलब इसके अंदर ये जो करंट जो आएगी नहीं, जाने का काम करेगी। जब जाने का काम करेगी तो इसकी रोटर के ऊपर क्या करेगी, विपरीत टॉर्क उत्पन्न करेगी और मोटर को क्या करने का काम करेगी, रोकने का काम करेगी। तो ये जो तीन तीन विधियां थी, और सबसे जो ज्यादा विधि यूज की जाती है वो प्लगिंग जो होती है उसका यूज किया जाता है। तो एक तो मैकेनिकल ब्रेकिंग थी, और इस विधि के अंदर अगर आपको ये विधि इस्तेमाल करनी है तो यहां दो तीन बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला कि एन आर का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा। दूसरी बात, जनरेटर जो होगा वो मोटर जो होगी वो क्या होगी, अति ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आपको यहां से याद रखनी। इसके अलावा जो इसके अंदर जो ईबी बन रहे हैं, जो इसके अंदर ईबी बन रहे हैं वो सप्लाई वोल्टेज से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे कि थ्री फेज मोटर में दोष कौन से होते हैं, फॉल्ट कौन से होते हैं। तो यहां हमने बात करेंगे सिंगल फेजिंग, और
यहाँ आपने बात गिनेंगे कोकिंग, कोकिंग को हिंदी में जकड़न भी बोलते हैं, और तीसरा आपने बात गिनेंगे क्राउलिंग, और क्राउलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरिंदी में, और कोकिंग को क्या बोला जाता है, जकड़न, और सिंगल फ्रेजिंग को बोला जाता है एकल के लिए। तो यहां अपने पास तीन फॉल्ट है, तीनों फॉल्टों को ध्यान से देखें। पहला फॉल्ट क्या हुआ कि जैसे कि तीन फेज है आर वाई बी, किसी कारण से किसी एक फेज का या तो कनेक्शन ढीला है या फ्यूज उड़ चुका है, किसी भी तरीके से मोटर की वाइंडिंग को क्या नहीं मिल रहा, तीसरा फेज नहीं मिल रहा। अगर वो तीसरा फेज नहीं मिलेगा तो इस दोष को बोला जाता है सिंगल फेजिंग। तो सिंगल फेजिंग के अंदर मोटर को कितने फेज मिलेंगे, दो मिलेंगे। अगर दो मिलते हैं तो यहां दो कंडीशन बताता हूं। देखो अगर स्टार्टिंग की कंडीशन होगी, मतलब मोटर को आपने स्टार्ट नहीं किया, उस समय अगर फेज ओपन होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, तो मोटर क्या होगी, स्टार्ट नहीं होगी। अगर मोटर रनिंग कंडीशन के अंदर है, रनिंग कंडीशन के अंदर है, तो यहां एक तो होगी जब क्या लाइट लोड पर है या ऑफ लोड पर है, यानी कि इस पर लोड नहीं है या नो लोड बोल देते हैं, एक है फुल लोड पर है। अगर मोटर रनिंग कंडीशन के अंदर होगी, अगर नो लोड पर होगी तो मोटर क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि मोटर के अंदर करंट का मान बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा वो भी बताऊंगा। फुल लोड पर मोटर काम क्या करती है, फुल लोड पर मोटर की करंट जो ले रही है वो लोड उठाने के लिए लेगी, इसका मतलब मोटर के अंदर जो करंट होगी उसका मान बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मोटर क्या होगी, गर्म होकर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अब यहां ध्यान रखना कि मैंने जब आपको स्टार्टर बताए थे तो आपको ये बात बताई थी कि तीन फेज मोटरों के अंदर जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी जो आपके स्टार्टर है उसमें पहले आपको स्टार्टर की वाइंडिंग को स्टार या डेल्टा में जोड़ना होगा। स्टार डेल्टा एक ऐसा स्टार्टर है जिसके अंदर आप लोग वाइंडिंग को बाद में जोड़ सकते हो, जिसके अंदर पहले स्टार में जोड़ोगे फिर क्या करोगे, डेल्टा में जोड़ोगे, लेकिन बाकी जितने भी जो स्टार्टर होंगे उसमें पहले या तो स्टार में जोड़ना पड़ेगा या डेल्टा में। और स्टार में नहीं जोड़ते क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पावर जो होगी मोटर की वो जितनी पहले थी उसकी एक बटा तीन हो जाती है, यानी डेल्टा में जो पावर होगी उसकी एक बटा तीन होगी। इसका मतलब नॉर्मली जो मशीनें चलेगी रनिंग कंडीशन के अंदर वो डेल्टा में चलती है। तो इस दोष के अंदर देखो क्या होगा, जैसे ये मान लेते मैंने डेल्टा बना दिया तो यहाँ ये लाइन करंट है और ये फेज करंट होगी, तो इन दोनों में 120 डिग्री का डिफरेंस होगा, तो इसकी वजह से जो फेज करंट होगी वो लाइन करंट का क्या होती है, बटा रूट तीन होती है। लाइन करंट का क्या होगी, एक बटा रूट तीन होगी, और एक बटा रूट तीन नहीं आता तो यहाँ 0.57 भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना, या परसेंटेज में मान पूछे तो 57% आ सकता है। उसके बाद अगर मैं एक फेज को ओपन कर दी, डेल्टा को उल्टा बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इस तरीके से एट एंड मान लेते मैंने ये फेज ओपन कर दिया, तो इस समय जो लाइन करंट होगी और जो फेज करंट होगी वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो फेज करंट बराबर हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले फेज करंट ये थी, अब दोनों का मान बराबर करना तो किससे गुणा कर दो, रूट तीन से। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब रनिंग कंडीशन के अंदर मोटर क्या करती है, एक फेज ओपन होगा चाहे स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर हो, तो मोटर की करंट जो होती है फेज कुंडलियों में करंट होगी वो रूट तीन गुना बढ़ जाती है, इसलिए मोटर काम क्या करते हैं, करंट पहले की तुलना में रूट तीन गुना ज्यादा लेगी और मोटर क्या हो सकती है, वहां पे जल सकती है। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। उसके बाद देखें तो ये तो था सिंगल फेजिंग दोष। शुरू में अगर मोटर होगी तो मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा और मोटर क्या होगी, नहीं चलेगी, कंपन करेगा रोटर इसका। दूसरी बात, अगर मोटर नो लोड पर है और चल रही है पहले, तब मोटर काम क्या करे, गर्म होगी। अगर मोटर पर हैवी लोड है तो मोटर जल जाएगी। कोकिंग के अंदर क्या बताए थे, कोकिंग का मतलब होता है जकड़न, कि जैसे ये स्टेटर वाइंडिंग है और ये क्या रोटर है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, चुंबकीय लोचन, यानी कि मैग्नेटिक क्या होगी, लॉक हो गई। तो मैग्नेटिक लॉकिंग होने के कारण क्या होती है कि मोटर को आप फुल सप्लाई देते हो फिर भी मोटर क्या नहीं चलती, मतलब आपने मोटर को सप्लाई कर दी लेकिन फिर भी मोटर नहीं चली, इसका मतलब उच्च वोल्टता पर मोटर को वोल्ट या मोटर की फुल लोड वोल्टेज देने पर भी मोटर स्टार्ट नहीं होती, इस दोष को क्या कहते हैं, जकड़न। इस दोष का कारण क्या होता है कि अगर इस रोटर वाले और स्टेटर वाले में खांचों की संख्या अगर क्या होती है समान, खांचों की संख्या क्या होती है समान, तब ये दोष क्या होगा, उत्पन्न होगा। इसलिए ध्यान रखना, दो बातें बता रहा ध्यान से सुनना, कि स्टेटर और रोटर में खांचों की संख्या जो होगी वो अलग अलग होगी, तो रोटर के अंदर खांचों की संख्या क्या रखी जाती है, स्टेटर की तुलना में क्या रखी जाती है, विषम रखी जाती है, मतलब रोटर के अंदर खांचों की संख्या या तो स्टेटर से एक ज्यादा होगी या एक क्या होगी, कम होगी।
दूसरी बात पोलो की संख्या हमेशा स्टेटर स्टेटर में बराबर होगी, ये बात भी आपको यहां से याद रखनी है इंडक्शन मोटर को। और इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। अगला जो फॉल्ट है वो है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग दोष होगा, इसको रिंगर दोष बोलते हैं। मोटर के अंदर जब क्या होता है सेवंथ हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं, जैसे थर्ड हार्मोनिक्स होता है फिफ्थ हार्मोनिक्स होता है वैसे जानना सेवंथ हार्मोनिक्स होगा। इस हार्मोनिक्स के कारण मोटर काम क्या करते हैं, आपने मोटर को सप्लाई दी और मोटर अपनी क्या करे अपनी फुल स्पीड की 1.7 मीटर चल रही है। मान लेते हैं कि मोटर को 1400 आरपीएम पर चलना था, अगर हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं सेवन तो वो मोटर किस गति पर चलेगी 200 आरपीएम पर चलती है। तो इसको बोलते हैं रिंगन, यानी कि मोटर जो होती है वो रेंग रेंग कर चल रही है। तो ये चीज जानना कि अलग अलग हार्मोनिक्स होते हैं, एक हार्मोनिक्स मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें बताऊंगा कि हार्मोनिक्स होते क्या है, ठीक है। तो रिंगर दोष होगा वो मोटर के अंदर विषम हार्मोनिक्स, क्योंकि सेवन जो है वो क्या विषम संख्या, तो विषम हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होते हैं, पहली बात आपको याद रखना। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि इसमें जो मोटर की गति होगी वो 1.7 होगी अगर मोटर को फुल लोड सप्लाई देते तो भी, कि मोटर को फुल लोड सप्लाई देने के बाद भी मोटर क्या होती है अपनी पूर्ण फुल लोड गति का 1.7 क्या आपको क्या करती है उस पर 7 पर चलती है। और इस दोष के अंदर क्या होगा कि मोटर अपनी क्या विषम जो कि मोटर अपनी फुल लोड गति पर नहीं चल पाएगी। दूसरी बात क्या याद रखोगे सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद में देखें अब आप लोगों ने काम किया कि जो इंडक्शन मोटर थी आपने उसको सप्लाई दी, सप्लाई देंगे स्टेटर को, स्टेटर वाला भाग जो होगा वो आउटपुट देगा, आउटपुट देगा तो किसको इनपुट मिलेगा रोटर को। अब देखो पावर फ्लो के अंदर तक हमने काम किया करते हैं कि सबसे पहले हमने बात करेंगे कि इसके अंदर पावर फ्लो होती है, होती कैसे। आपने क्या किया स्टेटर को क्या दिया इनपुट, आपने क्या दिया स्टेटर को क्या दिया इनपुट दिया। अब ये इनपुट काम क्या करेगा स्टेटर में दो काम करेगा, एक तो स्टेटर के अंदर ताम्र हानियां करेगा, एक करेगा स्टेटर में लो हानियां और एक करेगा स्टेटर का आउटपुट, क्योंकि इन हानियों के बाद स्टेटर के अंदर क्या होगा आउटपुट होगा। स्टेटर का जो आउटपुट होगा वो मिलेगा रोटर को इनपुट के लिए, तो रोटर के अंदर एक तो काम क्या करेगा रोटर में कॉपर मतलब ये काम क्या करेगा स्टेटर का जो आउटपुट होगा वो रोटर के लिए क्या करेगा इनपुट के लिए काम करेगा, ये बात आपको पता होगी। अब ध्यान रखना ये जो रोटर को जो इनपुट मिल रहा है वो रोटर में देते हैं क्या करेगा ताम्र हानि उत्पन्न करेगा, रोटर के अंदर लो हानि उत्पन्न करेगा, ठीक आगे हानि लिख सकते आप लोग, रोटर के अंदर घर्षण हानि उत्पन्न करेगा, रोटर के अंदर स्ट्रे हानि उत्पन्न करेगा। और ध्यान रखना स्ट्रे हानियां जो होती है वो घर्षण हानिया प्लस रोटर लो आनी होगी, सॉरी लो आ जाओगी रोटर, तो यहां से आने टोटल लिख सकते हो। और क्या होगा रोटर का आउटपुट, तो रोटर का जो आउटपुट होगा वो मिलता है अपने को शाफ्ट पर, और शाफ्ट पर की जो पावर होती है वो ध्यान रखना बीएचपी में होगी, ब्रेक हॉर्स पावर के अंदर होगी। और ब्रेक हॉर्स पावर में आपको पता है कि एक जो एचपी जो होगा वो 735 मेट्रिक और 746 क्या होगा ब्रिटिश पद्धति में होता है। तो ये बातें आपको यहां से याद होनी चाहिए। इसका मतलब पावर फ्लो डायग्राम के अंदर आपको पता चलता है कि मोटर के अंदर पावर का फ्लो कैसे होता है। आपने मोटर को सप्लाई दी, जैसे ये मान लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्टेटर का जब सप्लाई दोगे तो इसके अंदर ताम्र हानियां होगी, लो हानियां होगी, इसका जो आउटपुट होगा फिर आउटपुट जो होगा वो किसको मिलेगा रोटर को। अब रोटर है तो रोटर में भी ताम्र हानियां होगी, लो हानियां होगी और घर्षण हानियां भी होती है, स्टेटर वाले भाग में घर्षण हानियां नहीं होती क्योंकि वो स्थिर होते हैं। अब यहां तीन जो हानियां मैंने आपको बताई इन हानियों को देखें आप लोग कि अपने जो बात करेंगे कि घर्षण हानियां जो होगी रोटर हानियां जो होगी वो कैसे होती है। तो ये पावर का जो फ्लो होता है इंडक्शन मोटर में वो इस तरीके से होता है, उसके बाद में देखें 3 फेज मोटर में हानियां। सबसे पहले हमने बात करते हैं स्टेटर वाले भाग में, देखो एक तो बात करेंगे स्टेटर के अंदर भी मैंने बताया था एक तो होगी कॉपर लॉस, कॉपर लॉस को क्या बोलोगे ताम्र हानि। दूसरा जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे कोर लॉस की, कोर लॉस को बोलते हैं लो हानि। कोर लॉस भी ध्यान रखना दो प्रकार का होगा, एक तो होगा एडी करंट और एक होगा हिस्टेरेसिस।
ठीक है, तो यहां ध्यान रखना। तो कम और अन्याज होगी यहां दो तरीके से होगी, तो यहां देखो कॉपर लॉस होगा। आपको पता है कि तीन बाजू की इंडक्शन की मोटर है, तो यहां काम क्या करेंगे इस इंडक्शन मोटर के अंदर, क्या आपकी तीन वाइंडिंग होगी तो आइस के रहा होगा कॉपर लॉस तो, लेकिन तीन है तो इसका टोटल क्या करेंगे तीन। अगर स्टेटर करंट है तो इसको स्टेटर पर क्या करोगे आइस लिख देंगे। फोर लॉस होगा, ध्यान रखना कि एंटी करंट जो होगा आपको पता है डब्ल्यू ई जो होगा वो इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, टी स्केयर है फ्रीक्वेंसी का स्केयर। यहां स्टेरिक्स लॉस को आप क्या लिख सकते हो इस तरीके से, यहां नीटा जो होगा स्टेरिक्स गुणांक होगा इस तरीके से एफ और वी, ठीक है। तो यहां स्टेरिक्स जो होगा वो इस तरीके से होगा और जो एंटी करंट होगा वो क्या होगा इस तरीके से होगा। तो यहां ध्यान रखना की जो एडी जो स्टेटर वाले भाग के अंदर जो हानि होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर क्या करेगी डिपेंड करेगी। तो ये बात आपको यहां से याद रखना कि कोर लॉस जो होगा स्टेटर वाले भाग में वो किस बात पर डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करेगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। उसके बाद हम देखें फिर बात करेंगे रोटर लॉस की। तो रोटर लॉस के अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे रोटर कॉपर लॉस। अगर रोटर को थ्री फेज के लिए बाउंड किया तो तीन ये होगा आर इस तरीके से, और यहां स्टोक्स मैंने स्मॉल आर लिखा है इसका मतलब है रोटर, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे कॉपर सॉरी रोटर के अंदर कौन से लोग कोर लॉस होंगे। तो कोर लॉस आपको पता है दो तरीके से होंगे, एक होगा एडी करंट जिसको हमने क्या लिखेंगे डब्ल्यू ई या लैम्ब्डा का स्केयर फ्रीक्वेंसी का स्केयर और टी का स्केयर, और एक होगा अपने पास एडी करंट सॉरी हिस्टेरेसिस। तो यहां क्या होगा इसका मान होगा नीटा बी की पावर 6 एम एफ और वी। अब एक चीज देखें कोर लॉस में आपको पता है यहां रोटर की फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि रोटर ले रहे तो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी, और रोटर की फ्रीक्वेंसी आपको पता है सप्लाई इनटू क्या होती है स्लिप होती है। इसका मतलब रोटर के अंदर जो कोर लॉस होंगे वो किस बात पर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे स्लिप के ऊपर और डिपेंड करेंगे फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वहां स्लिप नहीं थी, वहां स्लिप नहीं थी। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि रोटर कोर लॉस होंगे वो किस बात पर डिपेंड करेंगे, तो यहां ओनली फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी सप्लाई की, वो आएगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू क्या आएगा स्लिप आएगा। तो ये बातें आपको यहां से याद रखनी। दूसरी बात देखो कोर लॉस रोटर के अंदर कोर लॉस सबसे ज्यादा किस समय होगा, तो ये होगा स्टार्टिंग के कंडीशन के अंदर, स्टार्टिंग टाइम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर स्लिप का मान क्या होता है एक होता है, और स्लिप का मान जब एक रखेंगे तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी और सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होगी दोनों क्या हो जाती है बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि रोटर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो रोटर में कोर लॉस सबसे ज्यादा किस समय होगा वो होगा स्टार्टिंग के समय जब स्लिप का मान क्या होगा अधिकतम होगा। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी। एक जो बचाती है वो बचाते हैं अपनी घर्षण हानिया, ठीक है। तो ये रोटर के अंदर क्या होगी कोर लॉस हो गया कॉपर लॉस हो गया। अब अपने बात करेंगे फ्रिक्शन लॉस, घर्षण को क्या बोलते हो फ्रिक्शन। तो घर्षण के कारण जो होता है रोटेशनल जो पार्ट होता है घूर्णनशील जो भाग होता है उसके अंदर क्या होगा ये हानिया होती है घूर्णनशील भाग के अंदर, और घूर्णनशील जो भाग होगा उसके अंदर कौन सी हानि होती है घर्षण हानि होगी। इसका मतलब किस बात पर डिपेंड करेगी ये करेगी स्पीड के ऊपर। तो यहां ध्यान रखना कि जो कॉपर लॉस होगा वो आपको पता है आई स्क्वायर आर होगा, इसका मतलब इन दोनों पर डिपेंड करेगा। जो फ्रिक्शन जो होगा घर्षण जो हानि होगी घर्षण हानि जो होगी वो करेगी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी, और जो आयरन लॉस होगा या कोर लॉस होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। तो ये यहां से आप लोगों को बातें याद रखनी है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रे लॉस पूछे तो क्या होगा, तो स्ट्रे लॉस होता है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया कोर लॉस प्लस क्या होगा यहां पर फ्रिक्शन लॉस, यानी कि टोटल जो स्थिर भाग होता है यानी कि स्थिर जो आती है कॉन्स्टेंट आती है वो स्ट्रे लॉस कहलाता है। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी। एक इसके अंदर मैं बता देता हूं मोटरिंग मोड सॉरी मोटर के मोड
आज ये चैप्टर मैं आपको खत्म करवा दूंगा, आप कल जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर की, और बहुत ही जल्द आपकी पंजाब की अगर वैकेंसी है उसकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा मैं शुरू से रेगुलर, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, और यहाँ मैं बीच बीच में वीडियो डालता रहूंगा इन चैप्टरों की जो बाकी बचे हैं, ताकि जिन्होंने पहले पढ़ा था उनको कोई परेशानी ना। देखो मोटर के अंदर तीन मोड होंगे, एक होगा मोटरिंग मोड, एक होगा जनरेटिंग मोड, और एक होगा अपने पास कौन सा होगा, मोटरिंग हो गया, जनरेटिंग हो गया, और तीसरा होगा ब्रेकिंग। देखो मोटरिंग मोड का मतलब होता है मोटर नॉर्मल मोटर की तरह काम करती है, जैसे देखो मैंने लिखा एस बराबर एन एस माइनस एन आर बटन में क्या होगा एन एस, अगर मैं स्लिप का मान लेता हूं जीरो, तो जीरो लेने का मतलब है इन दोनों का मान बराबर होगा फिर भी तो मोटर घूमेगी, तो इसके अंदर जो स्लिप का मान होगा वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा या एक से क्या होगा कम होगा, क्योंकि अगर मैं इसका मान क्या कर देता हूं एक कर देता हूं, तो एक करने का मतलब क्या होगा एन आर का मान क्या होगा जीरो, मतलब मोटर की आ चुकी है रुक चुकी है। तो मोटरिंग मोड के अंदर जो स्लिप का मान होता है वो जीरो से एक के बीच में होगा, और मोटर काम क्या करती है किस कंडीशन के अंदर काम करेगी, सामान्य मोटर की तरह क्या करती है काम करेगी, और मोटर क्या करेगी लोड को उठाती है, तो मोटरिंग मोड के अंदर मोटर क्या करेगी लोड उठाएगी, तो उस समय मोटर की स्लिप अगर आपसे पूछी जाए तो ये होगी, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें ब्रेकिंग मोड, तो ब्रेकिंग मोड के अंदर मोटर की जो स्लिप होगी वो क्या होगी, ब्रेकिंग मोड के अंदर स्लिप का जो मान होगा वो या तो एक होगा या एक से क्या होगा बड़ा होगा, अगर मैं मोटरिंग ब्रेकिंग मोड के अंदर स्लिप का मान एक ले लेता हूं तो आपको पता है एक कब आएगा, अगर इस एनआर का मान मैंने क्या लिख दिया जीरो, तो इसका मतलब एस बराबर होगा एनएस बटा में एनएस बचेगा, तो अब इसके अंदर जो लास्ट इसका जो पार्ट है वो अपने बात करेंगे स्पीड और टॉर्क के बीच में जो रिलेशन जो होगा उसको ग्राफ से किस प्रकार से आप लोग प्रदर्शित कर सकते हो, स्पीड या आपने स्लिप टॉर्क के बारे में बात करेंगे, स्पीड टॉर्क और स्पीड तीनों के बारे में बताएगा। यहां मैंने जो बताया इस लाइन के ऊपर मैंने जो बताया आपको टॉर्क है इस लाइन पे, ठीक है। अब ग्राफ देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर स्लिप का मान एक से बड़ा है तो किस मोड में काम करती है, ब्रेकिंग मोड में काम करेगी, अगर स्लिप का मान एक और जीरो के बीच में रहता है तो इस समय किस मोड में काम करेगी, वो मोटरिंग मोड में काम करेगी, अगर स्लिप का मान एक से कम हो जाता तो इसको बोलते हैं हमने जनरेटिंग मोड। अब याद रखिए ये जो इतना इतना भाग आपको बता रहा है ये स्टार्टिंग टॉरक के बारे में बता रहा है कि मोटर का स्टार्टिंग टॉरक है वो कैसे है। अब ये टॉरक है देखो धीरे धीरे इस तरीके से क्या किया आपने टॉरक बढ़ाया इस तरीके से, अब आपने काम किया गया कि देखो इस कंडीशन में जब यहां आते हैं तो इस कंडीशन के अंदर मैंने लिखा है कि जो एन एस है वो क्या है, एन आर जो एन एस है, और यहां जो एन आर है वो क्या है जीरो, तो जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि एस बराबर जो एन एस माइनस जीरो अपॉन में एन एस करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो एस का मान आएगा एक, इसका मतलब सिर्फ एक होगी तो एनआर का मान क्या होगा जीरो, और इस समय मोटर क्या आती है ब्रेकिंग मोड में आने का काम करेगी। अगर धीरे धीरे क्या होती है स्लिप का मान बढ़ता है एक से क्या होगा कम होगा, सॉरी एक से कम होगा तो इसका मतलब इधर की ओर जाएगी मतलब मोटरिंग मोड में आ गया, मोटरिंग मोड में स्लिप का मान एक और जीरो में क्या होगा बीच में होगा, जब यहां का क्या होगा एनएस का मान बराबर हो जाता है एनआर के बराबर हो जाता है, तो एनआर का मान एनएस के बराबर होगा तो इस समय क्या होगा स्लिप का मान क्या होगा जीरो, क्योंकि रोटर जो होगा वो एनएस स्पीड पर घूमेगा तो इस समय स्लिप का मान क्या होगा जीरो। फिर क्या होगा जब स्लिप का मान और नीचे आएगा तो स्लिप किस मोड में काम करेगी जनरेटिंग मोड में काम करेगी, और इस समय जो स्लिप का मान होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये जो स्पीड टॉर्क का ग्राफ आपको बताता है कि मोटर किस समय किस तरीके से व्यवहार करेगी। तो अगली जो अपनी क्लास रहेगी वो सिंक्रोनस मोटर की रहेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।